हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉन डॉबिन। आज के मैं इस वीडियो में माइंडट्री की तरफ से अपडेट लेकर आया हूँ। माइंडट्री की रिक्रूटमेंट ड्राइव आ रही है, सो बिग अपडेट है, बिग अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए। एंड उसके साथ अमेजन की तरफ से अपडेट आ रही है, डेलॉइट कंपनी की तरफ से आ रही है। सो इन डिटेल मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा वन बाय वन। एंड उसके अलावा भी दो तीन ऑफ कैंपस ड्राइव है, सो आप लोग प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखना। एंड सब लोग एलिजिबल होने वाले हो, बी बीटेक, एमई, एमटेक, बीएससी, बीसीए, एमसीए स्टूडेंट। सो बिग अपडेट है आप लोग के लिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऐसे ही डेली बेसिस पे जॉब्स अपडेट के लिए। जो फर्स्ट अपडेट मैं बोलूँ वो माइंडट्री कंपनी की तरफ से आ रही है। माइंडट्री ने यहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाला है बीएससी बीसीए स्टूडेंट के लिए ओनली। सो अभी जस्ट ये अपडेट आई है 3 आवर्स एगो। माइंडट्री की ऑफिशियल कैरियर वेबसाइट पे भी आ रही है एंड लिंक्डइन पे भी उन्होंने पोस्ट किया था 3 आवर्स एगो, आप यहाँ देख सकते हो। सो फर्स्ट अपडेट आप लोग को मिल रहा है राउंड रॉबिन चैनल की तरफ से। सो ऑफ कैंपस अनाउंसमेंट है बीएससी एंड बीसीए ग्रेजुएट हायरिंग के लिए इस प्रोग्राम रोल के लिए। सो इस प्रोग्राम क्या है, यहाँ पे आपको अर्निंग भी है प्लस लर्निंग भी है। सो यहाँ पे आपको आपको स्टाइपेंड भी मिलेगी, सो अराउंड 15,000 पर मंथ। एंड साथ में आपको एमटेक कराई जाएगी बिट्स पिलानी कॉलेज से। सो अगर आप लोग को स्टाइपेंड नहीं भी मिलता है फिर भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप लोग को एमटेक कराई जाएगी बिट्स पिलानी जैसे कॉलेज से एंड उसकी पूरी स्पॉन्सरशिप देगी माइंडट्री एंड आप लोग को कोई भी फीस नहीं देना है। सो बहुत ही बिग अपडेट है। एंड यहाँ पे मैं बोलूँ कि ऑनबोर्डिंग शेड्यूल बिगिंस फ्रॉम अक्टूबर 2021 है। सो आपका यहाँ पे इमीडिएट ज्वाइनिंग होने वाला है। सो इन डिटेल मैं डिस्कस करूँगा। 2020 एंड 2021 ग्रेजुएट स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। सो आज से अभी से ही अप्लाई लिंक एक्टिव हो चुकी है एंड 7 सितंबर को इसकी लास्ट डेट है 3 बजे दिन तक। सो आप लोग उससे पहले जरूर अप्लाई कर दें एंड अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। एंड बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे बीएससी बीसीए के लिए जॉब ला के लिए, तो आप लोग के लिए बिग अपडेट है। इन डिटेल मैं डिस्कस ये कर दूं कि बीएससी स्टूडेंट आप लोग का मैथ सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो। बीसीए ऑल स्टूडेंट एलिजिबल है, 6 CGPA या फिर 60% आपका होना चाहिए आपका स्कोर तभी आप एलिजिबल हो। कोई भी गैप नहीं होना चाहिए आपके बीसीए या बीएससी डिग्री में 3 ईयर्स में। एंड नेक्स्ट मैं बोलूँ कि 100% फीस आपका स्पॉन्सर करेगी एमटेक के लिए माइंडट्री एंड आपको बिट्स प्लानिंग से कराए जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। एंड आफ्टर एमटेक आपका ऑब्वियस है आपकी पैकेज बहुत ज़्यादा होने वाली है। सो बिग अपडेट है। एंड यहाँ पे आपका हायरिंग प्रोसेस की मैं बात करूँ तो एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल टेस्ट होगा फॉलोड बाई एचआर इंटरव्यू। सो बेसिक सा टेस्ट है आपका या ईजी है, आप इसे इजिली क्रैक कर लोगे एंड गुड अपडेट है। एंड मैं आप लोग को एक और अपडेट दे दूँ कि बहुत ही जल्द सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए बी बीटेक 2021 बैच की रिक्रूटमेंट आने वाली है। सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी अभी आने वाली है आप लोग के लिए माइंडट्री की तरफ से। सो आप लोग जरूर चैनल पे अपडेट लेते रहे एंड सब्सक्राइब करके चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आप वहाँ अप्लाई कर सको। सो ये बेसिक सा फॉर्म है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, आप इसे फिल कर देना। एंड कोई भी अगर डाउट है इस हायरिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड इसके अलावा भी जो जूनियर इंजीनियर रोल की हायरिंग चल रही है उसके सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी अपडेट आप लोग को चाहिए, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियो बना रखी है, ऑल डाउट कवर कर रखा है इस वीडियो में, उससे पहले भी मैंने बना रखी थी तो आप वो वीडियो भी फॉलो कर सकते हो किसी भी डाउट के लिए। जो नेक्स्ट अपडेट मैं बोलूँ अमेजन कंपनी की तरफ से आ रही है क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट रोल के लिए। अभी तो इसकी हैदराबाद लोकेशन है बट वर्क फ्रॉम होम है। एंड यहाँ पे मैं क्वालिफिकेशन लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो 0 to 1 years ऑफ एक्सपीरियंस स्टूडेंट एलिजिबल है। सो फ्रेशर्स स्टूडेंट एलिजिबल है, 2020-2021 बैच स्टूडेंट एलिजिबल है। एंड यहाँ पे जो आपकी ब्रांच की मैं बात करूँ तो CSIT, EC, EEE स्टूडेंट एलिजिबल है, MCA स्टूडेंट एलिजिबल है। 65% ओवरऑल आपका होना चाहिए परसेंटेज क्राइटेरिया। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ तो रिक्वायर्ड स्किल्स की तो आपको UX लिनक्स की नॉलेज होनी चाहिए एंड विंडोज सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए, बिग डेटा एनालिसिस वगैरह का नॉलेज होना चाहिए एंड कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ट्रबल शूटिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। परफेक्ट क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो OS कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए एंड लाइक लिनक्स यूनिक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी रेड हैट सर्टिफिकेशन है तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। सो बहुत सारे स्टूडेंट रेड हैट के लिए बोलते हैं जॉब्स अपडेट के लिए, तो आपके लिए बिग ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एंड नेक्स्ट मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज इन नेटवर्किंग अगर आपके पास है, क्लाउड कंप्यूटिंग की एक्सपोजर है, तो ये सब प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है। तो ये सब बेसिकली आपसे इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एंड मे बी आपसे टेक्निकल टेस्ट में भी पूछे जाएंगे। सो अच्छी अपडेट है अमेजन कंपनी की तरफ से, यहाँ पे आपका पैकेज बहुत अच्छा होने वाला है। सो आप लोग एज सून एज पॉसिबल अप्लाई कर दें। नेक्स्ट अपडेट में बोलूँ वो
कलर टोकन कंपनी की तरफ से आ रही है, माइन एनाटॉमी प्लेटफॉर्म पर इसकी अपडेट आई है। सो इसकी अपडेट लास्ट मंथ भी आई थी। सो आप लोग अगर आप भी लास्ट मंथ अगर आप लोग ने एलिजिबल लाइक अप्लाई किए थे तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। अगर किसी स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया था तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। आपकी पैकेज 7 लाख पर एनम है, सो आपकी अमाउंट बहुत अच्छी है एंड रोल आपका मेमल टेक्निकल स्टाफ क्यूए इंजीनियर की है। 75% एवब चाहिए 10th 12th में, बी बी टेक में 8 CGPA से एवब चाहिए। सो 2021 बैच स्टूडेंट एलिजिबल है, सर्विस बॉन्ड नहीं है, लोकेशन बैंगलोर है, बट अभी आपको वर्क फ्रॉम होम मिलने वाला है। एंड सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो ऑनलाइन टेस्ट, टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर डिस्कशन है। सो अच्छी अपडेट है, इसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगी, आप लोग इसके लिए अप्लाई करें। जो नेक्स्ट अपडेट है वो डिलॉइट कंपनी की तरफ से आ रही है। डिलॉइट ने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला है 13th अगस्त को, सो 2 दिन पहले रिक्रूटमेंट आ रही है। दिल्ली लोकेशन के लिए एनालिस्ट का रोल है, सो अच्छी अपडेट है। यहाँ पे मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इन डिटेल बात करूँ तो बैचलर डिग्री एलिजिबल है, कंप्यूटर साइंस फील्ड स्टूडेंट वनली एलिजिबल है, क्लाउड इंजीनियरिंग का अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। एंड बिग अपडेट है, सो आप लोग डिलॉइट के लिए जरूर अप्लाई करें, बहुत ही अच्छी कंपनी है वर्क करने के लिए। एंड यहाँ पे लाइक आपका फ्रेशर्स रिक्रूटमेंट है क्लाउड इंजीनियर में, सो आप लोग इसके लिए अप्लाई करें। जो नेक्स्ट अपडेट मैं बोलूँ वो ऑटोडेस्क कंपनी की तरफ से आ रही है। 2 डेज पहले ये जॉब पोस्ट की गई है, फुल टाइम जॉब है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल है, फुल स्टैक डेवलपर। इसकी जॉब लोकेशन पुणे है, बट सेम अभी आपको वर्क फ्रॉम होम ही मिलने वाला है। 0 to 1 year ऑफ एक्सपीरियंस स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सो बैचलर डिग्री एलिजिबल है, ऑल ब्रांच स्टूडेंट एलिजिबल है। सो यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका रोल होने वाला है मेनली। सो आपकी जो एक्सपीरियंस है वो वेब टेक्नोलॉजी में है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, या फिर आप फ्रेशर हो आपको नॉलेज आती है HTML की, CSS की, JavaScript की, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। यहाँ पे आपकी पैकेज भी बहुत अच्छी होने वाली है। जो नेक्स्ट एंड लास्ट अपडेट में बात करूँ वो सिडी की ग्लोबल कंपनी की तरफ से आ रही है। ये अपडेट 2-3 दिन पहले ही आई थी, मैंने वीडियो नहीं बना पाया था तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये पोस्ट कर दिया था। सो जो लोग मेरे टेलीग्राम पे नहीं है उन लोगों के लिए मैं अपडेट दे दूँ, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया हो तो। एंड प्लीज़ टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि कभी कभी मैं वीडियो नहीं बना पाता तो मैं वहाँ पे अप्लाई लिंक पोस्ट कर देता हूँ। सो एंड बहुत सारे कंपनी की ऐसे भी है जो वीडियो में मेंशन नहीं हो पाती है, तो वो भी मैं अप्लाई लिंक वहाँ पोस्ट कर देता हूँ ग्रुप में। सो ये भी अच्छी अपडेट है 2021 बैच स्टूडेंट के लिए, बी बी टेक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन साइंस स्टूडेंट के लिए। जॉब लोकेशन इसकी पुणे है एंड फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है, 4 to 5 lakh पर एनम आपकी इसके लिए पैकेज मिलेगी। सो सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय टेक्निकल इंटरव्यू आपको देना है। सो बिग अपडेट थी, आई होप आप लोग को सारी अपडेट पसंद आई हो। सो वन बाय वन आप लोग जरूर अप्लाई करें, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही डेली बेसिस पे जॉब्स अपडेट के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।